ये एक बहुत ही सुंदर मैगलेव ट्रेन या मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का मॉडल है। इसको एलजी कोरिया ने डिजाइन करा है। इसके अंदर रबराइज मैग्नेट के ट्रैक्स हैं, जैसे फ्रिज में चुंबक लगता है रबर का बना हुआ, उसी तरह से ये फ्लेक्सिबल हैं। जब सम ध्रुवों को पास लाया जाता है तो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और असम ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये है प्लास्टिक का ट्रैक जिसके अंदर ये मैग्नेटिक की स्ट्रिप्स जो हैं वो एकदम फिट हो जाएंगी। ये ध्यान रखिएगा कि सारी स्ट्रिप्स के ध्रुव एक ही ओर हों। तो ये तो हो गया आपका रेल का ट्रैक। उसके बाद में ये एक छोटा सा सर्किट है जिसके अंदर एक पंखा है, एक खिलौने का मोटर है, एक स्विच है और एक 3 वोल्ट की बैटरी है। स्विच को ऑन करने पर पंखा जोरों से चलता है। और ये एक चैसिस है ट्रेन की, जिसमें सबसे पहले तो आप चुंबक की पट्टियां लगाएं, फिट कर दें। इसमें अलग अलग तरह के खांचे बने हैं। अब ये देखिए, इस खांचे के अंदर जो स्विच है सर्किट का, वो एकदम जाकर के बैठ जाएगा। ये बैटरी का पैकेट बैठ गया और यहाँ पर मोटर फिट हो गया। अगर हम स्विच को ऑन करेंगे तो पंखा फरफर करके घूमेगा। अब ट्रेन को जैसे ही हम ट्रैक के ऊपर रखते हैं, सम ध्रुवों की वजह से वो ऊपर को उछाल मारता है, थोड़ा सा लिफ्ट मिलती है। अगर थोड़ा सा उसको टिल्ट करेंगे तो आप देखेंगे ट्रेन जो है अपने आप ढलान से ही आगे पीछे घूमती है, क्योंकि घर्षण बहुत कम है। और जैसे ही पंखा ऑन करते हैं वो आगे को हवा फेंकता है और ट्रेन पीछे को तेज़ी से खिसकती है। यही सिद्धांत है किसी भी मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का। इसमें न्यूटन का सिद्धांत भी एकदम साफ तौर पे समझ में आता है कि एवरी एक्शन हैज़ ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। पंखा आगे हवा फेंकता है और उससे ट्रेन पीछे को जाती है, और क्योंकि घर्षण ट्रेन और ट्रैक के बीच में बहुत कम है इसलिए बहुत तेज़ी से जाती है। आजकल दुनिया के बहुत से हिस्सों के अंदर मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन्स आ रही हैं जो बहुत तेज़ गति से चलती हैं, और इसकी एक छोटी सी झलक बच्चे इस छोटे से खिलौने में देख सकते हैं।